आज का हमारा टॉपिक है लेडर मेनासे रिएक्शन या लेडर मेनासे अभिक्रिया। ये टॉपिक आपके बीएससी सेकेंड ईयर का जो फिनोल वाला चैप्टर है उसमें से रिएक्शन है। ये एक महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है, लेडर मेनासे अभिक्रिया। तो अब इस अभिक्रिया की यदि हम परिभाषा देखें या अभिक्रिया संपन्न किस प्रकार से होती है, तो इसकी सामान्य सी परिभाषा है यानी एरोमेटिक या एलिफेटिक एल्डिहाइड फिनोल के साथ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर संघनित होते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं लेडर मेनासे अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है ये अम्ल तथा क्षार दोनों की उपस्थिति में, दोनों की प्रेजेंस में संपन्न होती है। कम ताप पर अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन यानी 40% फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन, कम ताप पर अम्ल या क्षारीय माध्यम की उपस्थिति में फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेलिन यानी 40% फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, तो मुख्य उत्पाद के रूप में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होता है और कुछ मात्रा में हमें प्राप्त होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। इसकी यदि हम सामान्य रिएक्शन देखें, अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, तो हमें रिएक्टेंट की आवश्यकता होगी और जो अभिकर्मक हैं उनकी आवश्यकता होगी। तो जो मुख्य रिएक्टेंट हमारा क्या है, फिनोल है। किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। माध्यम हम क्षार भी ले सकते हैं और अम्लीय माध्यम भी ले सकते हैं। इस अभिक्रिया को संपन्न होने में लगभग 6 दिन का समय लग जाता है। 6 दिन में जाके अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है और हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ CH2OH प्लस CH2OH। ये हमारा मुख्य उत्पाद है, मुख्य उत्पाद। इसकी मात्रा कितनी है, ये मैक्सिमम हमें ये प्राप्त होता है। ये हमारा मुख्य उत्पाद है और कुछ मात्रा में हमें प्राप्त होता है ऑर्थो उत्पाद। इसका यदि हम IUPAC नाम लिखें तो इसका जो नाम हो गया वो है ये ऑर्थो मेटा और ये पैरा पोजिशन। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। तो ये हमारी लेडर मेनासे रिएक्शन है। हमारा जो फिनोल है वो एरोमेटिक फॉर्मेल्डिहाइड या फिर एलिफेटिक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन करता है। ये जो अभिक्रिया है ये अम्ल या क्षार दोनों माध्यम या दोनों की उपस्थिति में संपन्न होती है और उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और दूसरा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। यदि अभिक्रिया कम ताप पर संपन्न हो रही है तो हमारा मुख्य उत्पाद होगा वो क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। तो ये तो इसकी सामान्य रिएक्शन है। साथ में इसके हम मैकेनिज्म देखें वो किस प्रकार से संपन्न होती है अभिक्रिया। हम दोनों प्रकार की अभिक्रिया देखेंगे, पहले हम देखेंगे अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया और उसके बाद में देखेंगे हम क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया। तो पहला प्रकार हो गया अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया। ये जो लेडर मेनासे अभिक्रिया है ये क्षार और अम्ल दोनों से उत्प्रेरित है। पहला हमने लिया है अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया। ये हमारा रिएक्टेंट है फिनोल। CH2 द्विबंध O, चूंकि माध्यम हमारा अम्लीय है तो यहाँ में मिला प्रोटॉन
प्रोटॉन किसके साथ जुड़ेगा, प्रोटॉन यहाँ जुड़ेगा ऑक्सीजन पे आके, तो मिला CH2, ये OH, और यहाँ पे कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए CH2 द्विबंध OH, अभी ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा रिएक्टेंट है CH2 पॉजिटिव OH। जो हमारा मुख्य उत्पाद है कम ताप पे वो पैरा पोजिशन पे है, और कम मात्रा में बनता है ऑर्थो पोजिशन पे। लेकिन मैकेनिज्म समझने के लिए हम ऑर्थो भी समझ लेंगे पहले, फिर पैरा पे। जो लोन पेयर थे ऑक्सीजन के, वो बनाते हैं ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बंध। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो ये चले जाएंगे अगले वाले कार्बन के ऊपर, और ये बनाएंगे इसके साथ सिग्मा बंध। छोटी सी मैकेनिज्म है इसकी, इतनी लंबी और लेंथी नहीं है। ये H CH2 OH, चूँकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका जो संयोजी कक्ष है उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का संयोजी कक्ष है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो इससे पॉजिटिव चार्ज है। अब कम कैसे हुआ गिन सकते हैं हम, ये जो एक बंद है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और दूसरा किसका ऑक्सीजन का ना, ये कौन सा बंद है, सामान्य सहसंयोजक बंद है, तो एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँच, जब इसके पास, जबकि इसके पास कितने होते हैं, छः होते हैं, तो इस पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बन इसमें संकरण हो गया sp3, यानी जो विस्तारीकृत संरचना थी वो क्या हो गई, अभी भंग हो गई है, वो ब्रेक हो गई है। तो यहाँ से यदि प्रोटॉन बाहर निकले और ये इस रिंग को वापस इलेक्ट्रॉन देके जाए अपने, तो यहाँ पे वापस बना पाई बंद, ये पाई इलेक्ट्रॉन चले गए वापस ऑक्सीजन के पास, तो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ CH2OH और ये OH। ये हमारा हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ये रिएक्शन ऑर्थो पोजिशन पे भी होती है और पेरा पे भी होती है। पेरा पे किस प्रकार से होती है इसी में देखिए हम, ये यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये जो पेरा पोजिशन है ये इसके साथ बनाता है सिग्मा बंध, इसे हम ये HCH2OH, ये इसको इलेक्ट्रॉन देके जाएगा एरोमेटिक रिंग को, ये चला गया वापस इस पोजीशन पे और ये इलेक्ट्रॉन आगे वापस ऑक्सीजन के पास, तो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ ये -H+, उत्पाद हमें मिला CH2OH, ये OH, ये हो गया पेरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। यानी जो यदि हमारी अभिक्रिया कम ताप पे संपन्न होती है तो पेरा और ऑर्थो उत्पाद प्राप्त होंगे, जो अधिक मात्रा में उत्पाद बनेगा वो कौन सा है, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। तो ये तो माध्यम हो गया हमारा अम्ल उत्प्रेरित, जब अभिक्रिया किससे हो, क्षार उत्प्रेरित हो, क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया, कि अम्ल से उत्प्रेरित भी होती है और क्षार से भी होती है। पता हमें जो फिनोल है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है या फिर अम्लीय या फिर क्षारीय, फिनोल की प्रकृति होती है अम्लीय। तो जब यहाँ पे क्षार हमारे पास उपस्थित है तो क्या बन गया, यहाँ से बन गया -H2O और ये बना O- Na+ सोडियम फिनोक्साइड आयन। यहाँ पे हम KOH भी काम में ले सकते हैं, तो उत्पाद बनेगा पोटेशियम फिनोक्साइड आयन, तो इसका नाम हो गया सोडियम
फिनोक्साइड सोडियम फिनोक्साइड, ये हमारा CH2 द्विबंध ऑक्सीजन। क्योंकि जो फिनोक्साइड होता है वो फिनोल की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, यानी हम कह सकते हैं ये भी किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। यानी मुख्य रूप से हमें ये याद रखना है जो फिनोल है, बेंजीन है, एनिलीन है, इनकी जो मेन रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पढ़ा हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और दूसरा प्रकार इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन। जो बेंजीन है, फिनोल है, एनिलीन है या जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी जो मुख्य रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये जो रिएक्शन है उदाहरण है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। ऑक्साइड के जो इलेक्ट्रॉन थे लोन पेयर वो बनाते हैं ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बंध। तो ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है वो जो ये जो कार्बन है जो कि कार्बोनिल कार्बन है इन पे आंशिक क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके साथ क्या बनाएगा ये सिग्मा बंध बनाएगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन चलेगा किसके पास ऑक्सीजन के पास। ये एच, ये CH2, ये नेगेटिव और ये द्विबंध। यहां से निकला प्रोटॉन ताकि ये वापस क्या हो जाए इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो, हमारी जो रिंग है वो वापस स्थायी हो, तो हमें प्राप्त हुआ ये ओ नेगेटिव CH2OH। ये OH और ये CH2OH। उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हुआ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और यही अभिक्रिया पैरापोजिशन पे भी होती है, तो उत्पाद का नाम हो जाएगा हम लिख देंगे साथ में ही पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। पैरा पोजीशन है ये, इससे ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और ये हो गया हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। तो ये है हमारी लेडर मेनासे अभिक्रिया है, रिएक्शन है, ये इसकी मैकेनिज्म है क्रियाविधि। क्योंकि जो BSc सेकेंड ईयर है वहाँ पे आपसे क्रियाविधि भी पूछते हैं मैकेनिज्म भी पूछते हैं, तो आपको ये मैकेनिज्म भी याद होना चाहिए। मैकेनिज्म याद होगी तो आपको अभिक्रिया आसानी से याद रहेगी। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ लेडर मेनासे अभिक्रिया।